लंबे वक्त के बाद प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिर से कमबैक करने जा रही हैं। इसे प्रियंका चोपड़ा का कमबैक इसलिए कहेंगे क्योंकि प्रियंका 2016 में आखिरी बार गंगाजल फिल्म में नजर आई थी। प्रियंका एक बार फिर अपनी धमाकेदार वापसी करेंगी क्योंकि प्रियंका की यह फिल्म सलमान खान के साथ भारत है। इस फिल्म को लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही थी, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि प्रियंका इस फिल्म में काम करेंगी या नहीं। कई बार ये भी कहा गया कि इस फिल्म में कटरीना कैफ होंगी, लेकिन अब सलमान खान ने और खुद प्रियंका चोपड़ा ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि भारत में सलमान खान की अपोजिट प्रियंका चोपड़ा होंगी। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा लंबे समय से हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट में बिजी हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्वांटिको के तीसरी सीरीज की शूटिंग कम्प्लीट की। प्रियंका इधर बीच कई बार सलमान खान के परिवार के साथ भी दिखाई दी थी। प्रियंका चोपड़ा के इस कमबैक को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे वजह है सलमान खान। सलमान खान की अगर ट्यूबलाइट को छोड़ दें तो उनके कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जिन्होंने 300 करोड़ से कम की कमाई की। तो इसलिए प्रियंका चोपड़ा का दोबारा इंडस्ट्री में आना, दोबारा से बॉलीवुड पर राज करने के लिए सलमान खान का कमबैक साथ में होना बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। सलमान खान के साथ प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म भारत का निर्देशक अली अब्बास जफर कर रहे हैं। उन्होंने सलमान के साथ कई फिल्मों में काम किया है और सलमान के साथ सबसे बड़ी बात की प्रियंका पहली बार नहीं आई। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और उन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया।